छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को किसान महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से किए गए आयोजन में सीएम विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम ने भी शिरकत की। इससे पहले वायुसेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से रक्षा मंत्री रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार से खेती के बजट की तुलना करते हुए कहा, 2014 से हमने 5 गुना बजट बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ को किसानों का प्रदेश बताया। और यह छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है। हमारे हिंदुस्तान में किसानों का गढ़ यदि कोई माना जाता है तो छत्तीसगढ़ माना जाता है, मेरे बहनों भाइयों। और मैं यह भी सच्चाई समझता हूं, यदि हमें छत्तीसगढ़ का भाग्य यदि बनाना है तो हमें अपने यहां के किसान भाइयों के भाग्य को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर यह छत्तीसगढ़ राज्य विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी किसान सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी को किसानों की पार्टी बताया। साथ ही कहा कि किसान के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किसान मन के पार्टी है। आज देश की आजादी 75 साल हो गए, इनमें ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन किसानों किसान मन पर कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं सोची। हमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तरह तरह के चिंता हुई। साफ है कि बीजेपी किसान मोर्चा की रैली में लाखों किसानों की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने जीत की हुंकार भरी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और अन्नदाता के बिना चुनाव जीतना आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है उस अन्नदाता को साधने की, जिससे 400 पार का टारगेट पूरा किया जा सके। टीम न्यूज स्टे। किसान सम्मेलन से पहले सीएम आवास पर राजनाथ सिंह के सम्मान में भोज का